जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों और प्रेमियों, आप में से किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि महात्मा जी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है। आप सभी को तो ऐसा ही लगता होगा कि श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है, पर श्रद्धा और विश्वास में महान अंतर। कि श्रद्धा बार बार बनती है और टूट जाती है, जो विश्वास होता है वो हिमालय की तरह मजबूत होता है, वो टूटता नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि मैं भगवान शिव और माँ पार्वती की वंदना करता हूँ कि माँ पार्वती क्या है, श्रद्धा का रूप है। माँ पार्वती का बार बार जन्म होता है और जो भगवान शिव है वो शाश्वत हैं, शिव का जन्म मरण नहीं होता। तो इसी प्रकार जो श्रद्धा है वो बार बार टूटती है, बार बार बनती है, जो विश्वास होता है वो हिमालय की तरह मजबूत होता है। हम सभी आपस में बातें तो करते हैं कि मुझे श्री गुरु महाराज जी पे पूर्ण रूप से विश्वास है, पर देखिए जब हम श्री गुरु महाराज जी के सामने एक इच्छा रखते हैं, एक वस्तु की कामना करते हैं, विनती करते हैं, और वो विनती मंजूर ना हो, अगर वो मनोकामना पूर्ण ना हो, तो क्या होता है कि हमारा जो मन है वो डोलने लग पड़ता है। हम किसी पंडित के पास में चले जाते हैं, किसी माता की चौकी में चले जाते हैं कि कोई मुझे कोई उपाय बता दे जिसको करने से मेरी जो ये कामना है वो पूर्ण हो जाए, मेरा काम बन जाए। पर विश्वास क्या बोलता है कि मैंने किसी कामना के लिए, किसी इच्छा के लिए श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती की, और विनती करने के बाद भी, बार बार विनती करने के बाद भी यदि वो काम ना बने तो मेरे मन में यही बात आए कि श्री सद्गुरुदेव जी अगर मेरी विनती को कबूल नहीं कर रहे, मंजूर नहीं कर रहे, तो उसमें भी कोई राज छिपा है, उसमें भी मेरा कल्याण है। अगर ऐसा हमारे मन में आ जाए तो हमारा जो विश्वास है वो मजबूत हो जाएगा। पर हम आत्माओं का संस्कार क्या है, भटकने का, कि अगर यहां से पूरा नहीं हुआ तो किसी और द्वार पर जाकर हम अपनी मनोकामना को रख देते हैं। पर जो सच्चा गुरुमुख होता है, जो सच्चा गुरु का भक्त होता है, वो यही सोचता है कि अगर मेरे मालिक ये वस्तु मुझे प्रदान नहीं कर रहे तो इसी में मेरा कल्याण है। पर हम आत्माएं क्या करती हैं, हम आत्माएं जिद कर बैठती हैं, कुटिया जाना छोड़ देती हैं, श्री आरती पूजा के नियम छोड़ देती हैं। अब आप ही एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा बिजली की तार को पकड़ना चाहता है, वो रोता है, बिलखता है और माँ को बार बार बोलता है कि ये तार मुझे पकड़ा दे, क्या माँ उसको तार पकड़ा देती है? क्योंकि माँ जानती है बिजली की तार को पकड़ने से मेरे बच्चे को करंट लग सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान मुझ आत्मा के परम हितेशी, अगर वो कोई वस्तु मुझे प्रदान नहीं भी करते तो उसमें भी मेरा हित है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस वस्तु को पाकर मेरा कल्याण होगा और कौन सी वस्तु मुझ आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। जरूरत है हम उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलते जाएं, और वो अपनी कृपा के द्वारा मुझ आत्मा को जिस वस्तु की भी कामना है वो प्रदान करते जाएंगे। गुरुबाणी भी तो कहती है, बिन बोलियां सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। जरूरत है पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा हम श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएं और उनकी श्री आज्ञा में चलकर, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलकर, नियमों का पालन करके अपने श्री सद्गुरुदेव जी भगवान को राजी कर लें। फिर तो किसी चीज की कामना रहेगी नहीं, क्योंकि अभी तो मांगना पड़ता है, और अगर श्री सद्गुरुदेव जी भगवान को राजी कर लिया तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं। नित्य प्रति श्री सद्गुरुदेव जी भगवान से
रोज विनती करें कि हे दाता दीनदयाल जी, मेरे विश्वास को हिमालय की तरह मजबूत कर दो कि कितने भी संकट आए, क्योंकि जितने संकट आते हैं ना, वो सब मुझ आत्मा की परीक्षा लेने ही आते हैं कि मैं गुरु भक्ति में कितना दृढ़ हुआ हूँ, श्री सद्गुरु देव जी भगवान के प्रति कितना मेरा विश्वास बना है। तो श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी से रोज यही प्रार्थना करें कि हे माँ प्रभु, मुझ दास के विश्वास को हिमालय की तरह मजबूत कर दीजिए। जय सच्चिदानंद।